हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर हम बात करते हैं बहुत सी प्यारी आर्टवर्क्स, DIYs, बहुत ही अच्छे होम स्टाइलिंग डेकोरेशन के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में फ्रेंड्स, मैं बनाने वाली हूँ फ्रिज मैग्नेट्स। इसके लिए मैंने यूज़ किया है फेविकोल का मोल्डेड क्ले। बेसिकली ये एयर ड्राई क्ले होता है। इसके बीच में टू पार्ट्स आते हैं, रेजिन बेस आता है और हार्डनर आता है। उन दोनों को आपको मिक्स करना होता है। उसको हम टेलकम पाउडर अपने हैंड में लगा के बहुत ही अच्छे से उसका डो तैयार कर लेंगे, वन कंसिस्टेंसी वाला। जैसे ही वन कंसिस्टेंसी वाला डो रेडी हो जाएगा, फिर उससे हम अपनी कोई भी शेप उससे दे सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से हैंड में उसका डो तैयार कर लिया है। अभी मैं मैग्नेट्स बनाने वाली हूँ। उसके लिए पहले मैं टेलकम पाउडर को उसके ऊपर रख लूँगी, बेस के ऊपर। फिर उसको मैं एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की हेल्प से उसको शेप दे दूँगी, सिलेंड्रिकल शेप। फ्रेंड्स, आप कोई भी शेप दे सकते हैं, जो भी शेप आपको बनानी हो। मैं बेसिकली यहाँ पर एक राउंड शेप ही रख रही हूँ। एग्जैक्ट राउंड शेप देने के लिए आप कोई भी बॉल लेके उससे राउंड शेप दे सकते हैं, और बाद में जो उसके एजेस हैं आप उसको स्मूद आउट कर सकते हैं। जो मैं मैग्नेट बना रही हूँ उसकी बैक साइड पर मैं अभी ही मैग्नेट को चिपका दूंगी, ताकि जब तक क्ले ड्राई हो वो उसी के साथ ही चिपक जाए और अच्छे से उसके अंदर ही फिट हो जाए। अभी मैं क्ले को ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। देखिए, हमारा क्ले ड्राई हो गया है। अभी ये हमारा मैग्नेट बनाने के लिए रेडी है। चलिए फ्रेंड्स, हम इस पर कलर करते हैं। मैं यहाँ पर पेंसिल की हेल्प से अपना डिज़ाइन बना लूँगी, जो भी मुझे आर्टवर्क करना है, और बाद में मैं एक्रेलिक कलर्स लूँगी, उससे मैं सारा डिज़ाइन इस पर ड्रॉ कर दूँगी। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर कोई भी कलर्स ले सकते हैं, लेकिन आपको बाद में वार्निश ज़रूर करना है। मैं बेसिकली यहाँ पर फेविकोल ब्रांड के क्रेलिक कलर्स ले रही हूँ, और यहाँ पर आप 0 या फिर 00 साइज़ के ब्रशेज़ ही यूज़ करिए, जो भी आपको अपना आर्टवर्क बनाना है। पहले मैं बेस कलर दे रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 कलर्स मिक्स किए हैं, येलो कलर मिक्स किया है और साथ में थोड़ा सा ऑरेंज कलर मिक्स किया है, ताकि एक अच्छा सा मस्टर्ड शेड आ जाए। आप 2 कोट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बेस कलर इतना अच्छा नहीं आया है, तो 2 कोट्स कर लीजिए। यहाँ पर मैं सेकंड मैग्नेट के ऊपर भी बेस कलर दे रही हूँ, वाइट। मैंने यहाँ पर वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ किया है। चलिए अभी फर्स्ट मैग्नेट के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं डिजाइनिंग वगैरह। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 0 साइज का ब्रश यूज कर रही हूँ उसके ऊपर लिखने के लिए। आप भी फाइन लाइनर ब्रशेज यूज कीजिए, ताकि उसके ऊपर हम अच्छे से लिख सकें, नीट एंड क्लीन आए हमारा जो आर्टवर्क है। यहाँ पर आप अपना कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, चाहे आप अपना पर्सनल मैसेज लिखिए, चाहे आप किचन से रिलेटेड लिखिए, या फिर आप कोई मेमोरेबल जो आपकी मेमोरीज हों किसी ट्रिप वगैरह की, आप वो भी उसके अकॉर्डिंग भी आप कुछ मैग्नेट ड्रॉ कर सकते हैं। Thank you.
मैं फ्रिज के ऊपर लगाऊंगी ये मैग्नेट, इसलिए मैं इसको किचन से रिलेटेड ही रख रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए हमारी मैग्नेट रेडी है, ये फर्स्ट मैग्नेट है। चलिए अब सेकंड मैग्नेट को ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं स्काई ब्लू जैसा बेस कलर दे रही हूँ और बाद में पेंसिल से अपना जो डिज़ाइन है उसको ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टिंट ऑफ येलो भी ऐड किया है ताकि जो उसका बेस कलर है वो अच्छे से निकल के आए। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे चैनल पर DIY से मेरा आर्टवर्क कुछ भी अच्छा लगता हो, अगर आप अपने आप को मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। यहाँ पर हम आउटलाइन के लिए येलो या फिर गोल्डन कलर करेंगे। अब देख सकते हैं कि हमारी सेकंड मैग्नेट भी रेडी हो गई है। थर्ड DIY के लिए मैं यहाँ पर एक बॉटल ले रही हूँ। बेसिकली मैं उस बॉटल से एक प्लांटर बनाऊंगी। आप देखिए कैसे फटाफट हम उसको बनाते हैं। सबसे पहले बॉटल को अच्छे से वॉश कर लेंगे, देन ड्राई अप कर लेंगे, उसके बाद एक्रेलिक कलर से डायरेक्टली हम उसको पेंट कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर अगेन मैं टू कलर्स को मिक्स कर रही हूँ, मुझे एक डिफरेंट सा ब्लू कलर चाहिए। आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। मिक्स करने के बाद उसको हम बॉटल को पेंट कर देंगे और पेंट करने के बाद उसको अच्छे से ड्राई अप होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास डॉट आर्ट टूल्स है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ईयरबड से भी फ्लावर्स को ड्रॉ कर सकते हो। मैं बेसिकली यहाँ पर डॉट्स ड्रॉ कर रही हूँ और बाद में उनको पेटल्स भी बनाऊँगी उसके।
फ्रेंड्स, इसको सूखने के बाद हम वार्निश ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर वार्निश नहीं करेंगे तो ये पेंट है ये उतर जाएगा, तो आप भी अच्छा सा वार्निश करिए। आप देख सकते हैं कैसे एक एम्प्टी बॉटल से हमने एक अच्छा सा ब्यूटीफुल प्लांटर बनाया है, और आप ये मैग्नेट्स भी देख सकते हैं, ये मैग्नेट्स कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर बेल प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि ये बॉटल प्लांटर कितना ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही यूनिक लग रहा है और अच्छा मैच।